स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल चैंपियंस स्मार्ट क्लासेस। एंड यस, ये जो वीडियो है ये अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड है, ठीक है। बट अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही छोटी सी चीज़ बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने एज अ एक्सटर्नल, एज अ इन्विजिलेटर एंड एज अ सब्जेक्ट टीचर ये ऑब्जर्व किया है कि क्लास 12th के बच्चे को एग्जाम के डे तक ये नहीं पता होता कि अकाउंटेंसी का कोड आखिर है क्या। यस, बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि उसके पास एडमिट कार्ड होता है। अब आपको अगर मैम एडमिट कार्ड में तो सब कुछ गिवन होता है, यस गिवन होता है, बट मैंने एग्जामिनेशन हॉल में देखा है कि बच्चे वहाँ बैठकर सर्च करना शुरू करते हैं कि भाई ये 055 ही कोड है ना अकाउंटेंसी का। तो वहाँ वो क्या करते हैं, अपना टाइम किल करते हैं। वो अकाउंटेंसी का पेपर देने आए हैं और अब वो उसका कोड ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए क्या सिचुएशन होगी उस बच्चे की। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बताना चाहती हूँ आपसे कि प्लीज़ अकाउंटेंसी का जो सब्जेक्ट कोड है बहुत ही सिंपल है, 055, आप इसे याद कर लो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, दैट इज़ पार्टनरशिप, ठीक है। अभी मैं आपको एक फ्लैशबैक में लेके जाऊंगी, जो कि है आपका क्लास इलेवेंथ में आपने PST का चैप्टर 2 पढ़ा होगा, जिसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। वहाँ पर आपने 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा होगा। उसमें से जो सबसे पहला था वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, 2nd था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, 3rd था पार्टनरशिप, ओके पार्टनरशिप, ओके ना 4th था आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, 5th था आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी, ओके। तो आपने ऑन एंड ऑफ क्लास 11th में पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रखा है, और पार्टनरशिप जब टॉपिक आपने पढ़ा था तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपने पार्टनरशिप डीड भी पढ़ा था। बट क्लास 12th में अकाउंटेंसी पे इसका पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, और इससे रिलेटेड आपके 6 चैप्टर्स और भी हैं आगे, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है अकाउंटेंसी के नज़रिए से, ओके। तो क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मुझे ये भी पता है कि इस बार का जो 12th का बैच है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उसने 11th में भी ऑन एंड ऑफ क्या पढ़ाई करी है वो मुझे पता है। वो बेचारे, उन्होंने बहुत कोशिश करी है, बट मैं जानती हूँ कि उनकी क्या हालत है, वो डरे हुए हैं अकाउंटेंसी को लेकर, ठीक है। इससे पहले का जो 12th का बैच था, जो मतलब इस बार एग्जाम देगा, उसने तो फिर भी 11th में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है तो वो थोड़ा रिलैक्स्ड है, क्योंकि उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं। बट इस बार का जो 12th का बैच है वो पूरी तरीके से डरा हुआ है, स्पेशली अकाउंटेंसी को लेकर, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ों को पढ़ते चलेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अकाउंटेंसी में थ्योरी को कुछ नहीं समझते हैं, थ्योरी को वो इग्नोर करते हैं। प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट, थ्योरी को इग्नोर मत करिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से, थ्योरी को समझने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और ये प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, दैट इज़ पार्टनरशिप फर्म। अब ये पार्टनरशिप क्या होता है, फर्म तो हम पढ़ेंगे, बट सबसे पहले ये पार्टनरशिप क्या है, ठीक है। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, okay। now partnership kya hai, abhi maine bataya ki aapne 11th mein to partnership padh rakha hoga, but फिर भी हम अकाउंटेंसी में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप वही है जहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हाथ मिलाते हैं एक बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा सबके लिए एक्ट करता है और सभी एक बंदे के लिए एक्ट करते हैं। सपोज दैट कि एक फर्म, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने खोली है, तो उसमें क्या है, उसमें 10 पर्सन्स हैं, ठीक है। 2 पर्सन सिटी के बाहर हैं, ठीक है, सिर्फ 8 पर्सन्स हैं वहाँ पर, तो वो 8 पर्सन्स भी उन 2 पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेंगे उस मीटिंग में जो मीटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात होती है, इसको बोलते हैं कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ओके। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हाथ मिलाते हैं एक ही बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें एक वर्ड आया हुआ है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो इसमें जो हमें प्रॉफिट होता है उसको हम
पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट लिखा है और यहाँ पर हम होते हैं कन्फ्यूज। यहाँ सिर्फ प्रॉफिट लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब प्रॉफिट होता है हम तभी शेयर करते हैं, एक्चुअली में जब लॉस होता है तब भी हम उस लॉस को भी शेयर करते हैं, दोनों ही इक्विवेलेंट है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट शेयर करेंगे और अगर लॉस हुआ है तो लॉस भी हम एक दूसरे में शेयर करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप डीड। यस, पार्टनरशिप डीड क्या है? एक्चुअली पार्टनरशिप डीड एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट, उसमें सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, फर्म क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, कितने मेंबर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल का इंटरेस्ट क्या होगा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्या होगा, कमीशन क्या होगा, सैलरी क्या होगी। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में डिवाइड करना है, ये सब कुछ एक पार्टनरशिप डीड में गिवन होता है। ओके, तो इंडिया में क्या है कि ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप चार लोग मिलकर अगर एक बिजनेस चलाना चाहते हो तो ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको क्या है कि पार्टनरशिप डीड करनी ही करनी है। बट मेरा मानना ये है कि भाई पार्टनरशिप डीड कर लो तो आपको प्रॉफिट बहुत है, क्योंकि जब आप वीडियो में आगे देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई प्रॉफिट तो बहुत है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं किया और आगे जाके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सो इंडिया में द रिटन डॉक्यूमेंट्स विच स्पेसिफाइड द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एक्चुअली एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड बट इट्स बेटर टू हैव इट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके क्या नुकसान हैं ये अभी आप देखोगे। कि मान लो कि अगर आपने एक फर्म में पार्टनरशिप से एक फर्म स्टार्ट भी कर दी और आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कुछ देखिए ह्यूमन नेचर है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही जाते हैं, कभी आप एग्री हो, कभी हम नहीं एग्री हैं, कभी हम दोनों एग्री हैं, कभी हम दोनों ही एग्री नहीं हैं, तो कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो हम लोग आके डिस्कस करेंगे। सपोज दैट कि हम पार्टनर्स हैं, ठीक है, हम पार्टनर्स हैं और हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, और हमें ये पता चलता है कि भाई हमारे बीच तो पार्टनरशिप डीड थी नहीं, तो फिर कौन सा एक्ट वर्क करता है, तो उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ओके, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के थ्रू उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 1932 में कुछ ऐसे प्रोविजन गिवन, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ओके, तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएं और उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जाए। ओके, नाउ लेट्स सी, प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ डीड, जब आपके बीच में डीड नहीं है, पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 1932 ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। अब वो क्या प्रोविजंस हैं, लेट्स सी, इंटरेस्ट ऑफ अ कैपिटल इज नॉट पेड। ओके, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तब कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन अ ड्रॉइंग नॉट अलाउड। ओके, मान लो किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग ले रखी है तो ड्रॉइंग के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, फर्म को इंटरेस्ट देते हैं, वो भी नहीं दिया जाएगा। ओके, अच्छा, पार्टनर्स को कमीशन भी नहीं दिया जाएगा और सैलरी भी नहीं दी जाएगी। जैसे पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर्स तो होते हैं, समटाइम्स वो एज अ मैनेजर भी वर्क करते हैं, एज अ प्रोमोटर भी वर्क करते हैं, तो उनको सैलरी दी जाती है या कमीशन दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल इज नॉट पेड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट इंटरेस्ट ऑन अ लोन अलाउड, अगर पार्टनर ने लोन दिया है या फर्म ने लोन लिया है तब भी 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग जो प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल कॉमनली पूछ लेते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है, प्रॉफिट इज़ टू बी शेयर्ड इक्वली। ओके, तो हम फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। नंबर वन है, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट पेड, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कैपिटल पर। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड, आपने पार्टनर्स ने अगर कोई ड्रॉइंग ले रखी है तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, नॉट कमीशन सैलरी टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा।
फोर्थ इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल इज नॉट पेड, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल अलाउड 6% पर एनम, बट आपको लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा. नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इक्वली. ओके, सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्टरी क्लिप ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते. थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है. कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अकाउंटेंसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ टोटली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट. ओके, अच्छा, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसकी डिटेल और कैसे इसे बनाते हैं, डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा पूरा वीडियो देखिए. थैंक यू सो मच.